तो दोस्तों अभी फ्लिपकार्ट अमेजन पे सेल चल रही है, ऐसे में बहुत सारे फोन पे हमें डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं पांच ऐसे फोन आपको बताने वाला हूँ जो 15,000 के नीचे 5G लेके आ रहे हैं और एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अब जिन लोगों को बेस्ट कैमरा चाहिए, बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, या फिर बेस्ट डिस्प्ले चाहिए, या फिर ओवरऑल एक अच्छा फोन चाहिए, आज की वीडियो में ये सारे फोन की लिस्ट लेके आऊँ और बहुत क्लियर तरीके से आपको बताने वाला हूँ कौन सा फोन अभी के टाइम पे आपको लेना चाहिए। चलिए ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अभी के टाइम पे जो आप लोग पहला फोन ले सकते हो CM1 आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा 13,000 के प्राइस में। पहले इसकी प्राइस 16,000 थी, बट अभी आपको 13,000 प्राइस रेंज मिल रहा है। इसमें आपको मीडियाटेक डेमेंसिटी 6300 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा इसमें देखने को मिलता है और इसमें सुपर एमोलेड 128 की एक डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। और ये फोन 5000mAh बैटरी 33W चार्जिंग के साथ में आता है और बॉक्स में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कमियां भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे ये सिंगल स्पीकर के साथ में फोन आएगा, बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यार देखो इसका सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है और इसका कैमरा भी ठीक ठाक है। तो अगर आपका बजट अभी के टाइम पे 13,000 तक है, आप इसके तरफ अभी के टाइम पे देख सकते हैं। दूसरा फोन आप लोग ले सकते हो iQOO G9X। अब ये आपको अमेजन पे मिलेगा और ये उससे 1,000 सस्ता ही मिलेगा, आपको 12,000 के प्राइस में देखने को मिल रहा है अभी जब सेल चल रही है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, बैक साइड में 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने को मिलता है और ये फोन 6000mAh बैटरी के साथ में आता है। और इसमें एक ही कमी लगी है, इसकी जो डिस्प्ले वो एमोलेड देखने को नहीं मिलेगी, IPS मिलेगी 128 की और इसका जो कैमरा है फ्रंट साइड वो उतना अच्छा नहीं है जितना आज के टाइम पे आपको बेटर ऑप्शन मिल सकता है इस प्राइस में। तो अगर आपको iQOO वगैरह का फोन चाहिए तो वैसे प्रोसेसर वाइज काफी अच्छा फोन है, तो इसको आप देख सकते हो जिसका बजट अभी के टाइम पे 11-12 हजार है। अगर आपका बजट 15,000 तक है, अभी के टाइम पे इन दोनों फोन से बेटर आपको देखने को मिल सकता है Realme Narzo 70 Turbo। अब इसमें आपको फुल HD प्लस एक OLED डिस्प्ले मिलेगी 128 और MediaTek Dimensity 7300 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, जो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो 20-25 हजार के फोनों में पिछले कुछ टाइम से आया था, लेकिन ये फोन आपको 15,000 Amazon पे देखने को मिलने वाला है। और ये फोन 5000mAh बैटरी के साथ में आता है और ये फोन 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बॉक्स में आपको चार्जर भी प्रोवाइड करेंगे ये लोग। बाकी यार यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका कैमरा वगैरह, तो कैमरा वगैरह ठीक ठाक है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल कोई मैक्रो दिया गया है, 16 मेगापिक्सल का आपको इसका फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे भी ठीक है, तो जिनका बजट अभी के टाइम पे 15,000 है, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा, चाहो तो आप जाके प्राइस वगैरह अभी के टाइम पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी अभी मैं देख रहा हूँ फ्लिपकार्ट पे सैमसंग A14 को लेके काफी ज्यादा एडवर्टाइज किया जा रहा है, तो अगर आप इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर कर देना, क्योंकि सैमसंग A14 लेने का अभी के टाइम पे कोई भी सेंस नहीं है। और ऐसे रियलमी 12X वगैरह ये सब इग्नोर कर देना, अभी के टाइम पे ये सब फोन बिल्कुल मत लेना, बल्कि उसके जगह पे अभी अमेजन पे ही आपको एक देखने को मिल रहा है शायद 10,000 अगर आपका बजट है, तो अभी के टाइम पे आप सैमसंग गैलेक्सी M15 ले सकते हैं, जो प्राइम एडिशन करके अभी अमेजन वाले बेच रहे हैं। अब यार उसकी पता नहीं क्यों ये लोग एडवर्टाइज नहीं करें, बट वो एक सच में अच्छा फोन है, तो उसको आप देख सकते हो अगर आपका बजट 10,000 तक ही है। मैंने खुद यहाँ तक ऑर्डर किया है उसको। बाकी देखो अगर आप लोग थोड़ा और ऊपर जा सकते हो तो सैमसंग गैलेक्सी M35 आ जाएगा आपको 13,000 प्राइस रेंज में और सबका बाप अभी के टाइम आप बोल सकते हो। अब यार सेल में देखो यही होता है, जो फोन अच्छे होते हैं सच में उनको ज्यादा एडवर्टाइज नहीं किया जाता है, जो फोन बेकार होते हैं उनको ज्यादा लोगों के नजर में खटका के ताकि वो बिक जाए, लोग उसको ले लें, उसके बारे में बातें हो, तो ये सब झंझट में आपको नहीं पड़ना है। आप को जो मैं फोन रिकमेंड कर रहा हूं आप वो ले सकते हैं। अभी के टाइम पे आप सैमसंग गैलेक्सी M35 ले सकते हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है 15,000 के बजट में, जो मुझे ऐसा लगता है। बाकी यार अगर आप थोड़ा और बजट बढ़ा सकते हैं तो मैं तो कहता हूं अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसका कैमरा वगैरह बहुत बेटर आपको देखने को मिले तो आप सैमसंग के मैं फोन बताऊं आप ये ले सकते हैं। बाकी अगर आपको फोटोज वगैरह ऐसे मस्त वाली क्लिक करना है तो थोड़ा आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा Realme 12 Pro, ये आपको 20,000 प्राइस में अभी फ्लिपकार्ट में मिलेगा सेल के दौरान, बाकी इसकी प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा रहती है। अगर आप बजट बढ़ा लेते हो तो आपको एक अच्छा कैमरा सच में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे कौन सा लो तो मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप जो iQOO का फोन मैं बताऊं
वो आप ले सकते हो। बाकी अगर आपको एक डिसेंट सा फ़ोन चाहिए, एकदम यूनिक यूआई चाहिए, कोई ब्लॉटवेयर कोई झंझट नहीं चाहिए, और आपको थोड़ा कस्टमाइज़ वगैरह करने मज़ा आता हो, अपने से बैक पैनल वगैरह खोल लो, तो CM1 ले सकते हो अभी के टाइम पे। बाकी अगर आपको कैमरा मेन प्रियोरिटी है तो भैया अभी के टाइम पे आप सैमसंग का फ़ोन ले सकते हो, Samsung N35, या फिर अगर आपका बजट कम है तो M15 भी ले सकते हो, प्राइम एडिशन मैंने खुद लिया है अपने फैमिली मेम्बर के लिए। अब देखो जो मैं लिया हूँ उसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जो इस प्राइस रेंज में कोई भी नहीं दे रहा है, और 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, और परफॉर्मेंस भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, लैग वगैरह उतना नहीं करेगा, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है भाई जो लोग मतलब लेना चाहते हैं। बाकी कैमरा तो मत ही पूछो, कैमरा सच में मतलब अच्छा है, मैंने खुद देखा है बहुत सारी रिव्यू वगैरह। तो यही कुछ थी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा 15000 के बजट में अभी के टाइम पे हमें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। बाकी ऐसे और भी अगर सिंपल वीडियोज़ आपको चाहिए तो मैं बनाते रहता हूँ, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे जब भी वीडियो बनाएंगे आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।